हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ्स ऑफ क्लास फोर्थ एक्सरसाइज 2.4। दिस इज चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का पार्ट्स जो छूटा हुआ था है ना, एक्सरसाइज 2.4, ओके, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग का 2.3 तक मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम आप लोग पढ़े हैं, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है, जो हमारा ये सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, हम 5 डिजिट एंड 6 डिजिट का सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, उसमें विद कैरी ओवर। ओके, कैरी ओवर के साथ कि कैरी ओवर कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कैरी ओवर के अकॉर्डिंग। सब्ट्रैक्ट द चेक द सम, जो आपका एक्सरसाइज 2.4 है ना, एक्सरसाइज 2.4, ठीक है, जो बुक में आप एक्सरसाइज 2.4 आप जो देख रहे हैं, उसका ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको जितना भी उसमें क्वेश्चन दिया है उसको कंप्लीट करना है। मींस जो जो फर्स्ट वाला जो सब्ट्रैक्शन एंड चेक द सम जो दिया है ना, उसका जितना भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हैं। कितने नंबर्स दिए हैं? 5 डिजिट का नंबर दिया है। ओके, 5 डिजिट के नंबर में क्या किया है, यहाँ पे हमारा 7, 4, 2, 3, 5, ठीक है, और ये क्या है हमारा 5, 1, 4, 4, 6। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मिन्यूएंड। क्या बोलते हैं? मिन्यूएंड। और ये हमारा होता है सब्ट्राहेंड, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा होगा डिफरेंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखो आप वन से स्टार्ट करते हैं तो 5 एंड 6, ठीक है, हमारा जो मिन्यूएंड दिया है वो 5 है और सब्ट्राहेंड दिया है वो 6 है। तो क्या 5 से हमारा 6 क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 की जगह में हम लेंगे 15, ठीक है, कैरी ओवर के अकॉर्डिंग। तो इससे हम बोरो लेंगे इससे, ठीक है, 3 से हम एक बोरो लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 15। अब 15 माइनस 6 कर सकते हैं, 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9। ओके, आ गया 9। अब 9 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, आगे क्या दिया है, अब हम सेकेंड वाले में चलते हैं, मीन्स टेंस में। वंस का हो गया हमारा, टेंस में चलते हैं। टेंस में क्या दिया है, जो हमारा 3 है वो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसने जो इस नंबर को उसने देखो, जो 15 को जो 5 को उसने 15 बनाया, तो इसने अपना 1 इसको दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 15 हो गया और ये हमारा बच गया 2। अब देखो 2 माइनस 4 हो सकता है क्या? 2 माइनस 4 नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3 के जगह में लिखेंगे हम 12, ठीक है। मीन्स ये तो 3 हमारा 2 हो गया था, अब 2 को हम क्या करेंगे 12, ठीक है। तो 12 माइनस 4, क्या 12 माइनस 4 कर सकते हैं? यस, ठीक है, 12 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 8, ठीक है, हमारा आंसर आ गया 8। अब देखो ये हमारा 2 था, इसने इसको 1 दे दिया, ठीक है, इसने इसको ये बोरो किया इससे, ठीक है, तो बोरो किया तो इसका क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। अब इसके पास क्या हो जाएगा, ये 1 का ये हो जाएगा 11। 11 क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो 1 है वो 1 माइनस 4 तो हो नहीं सकता है ना, 1 माइनस 4 नहीं हो सकता, तो 1 को हम क्या करेंगे 11, ठीक है। तो 11 माइनस 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 7, ठीक है, 11 माइनस 4 रखेंगे तो हमारा आंसर आ गया 7। अब देखो यहाँ पे हमारा जो था 4, अब इसने इसको बोरो दिया, ठीक है, इसने इसको क्या लिया, ये बोरो लिया तो इसने इसको दिया। अब ये हमारा जो 4 था वो क्या हो गया हमारा 3, क्या हो गया 3, ठीक है। अब 3 माइनस 1 करेंगे, ठीक है, 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 होता है 2, ठीक है, 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 को हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। ओके, आगे क्या दिया है, अब इसने किसी के साथ बोरो नहीं दिया है ना, इसने ये भी बोरो नहीं लिया, ये भी, तो मतलब ये 7 का 7 ही है और 5, ठीक है, तो 7 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। तो 7 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 2। इतना समझ में आ गया, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख दिया। हेंस द डिफरेंस इज 22,789, ठीक है, तो डिफरेंस क्या है हमारा 22,789 हमारा डिफरेंस आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जिसको हम बोलते हैं मिन्यूएंड, ये हमारा बोलता है सब्ट्राहेंड, और इसको बोलते हैं डिफरेंस। फर्स्ट वाला जो हमारा क्या होता है मिन्यूएंड,
सब्ट्राहेंड एंड डिफरेंस, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे बोला गया है देखो चेक द सम, ठीक है, सम करके चेक करना है कि ये नंबर हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं ना उसी को, नंबर को चेक करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्राहेंड, सब्ट्राहेंड एंड डिफरेंस, जो हमारा पीछे में देखो सब्ट्राहेंड आया है, ये हमारा सब्ट्राहेंड है, ठीक है, ये वाला जो नंबर है सब्ट्राहेंड है, और डिफरेंस क्या है, ये वाला आंसर, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, डिफरेंस है। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को ऐड कर दिया, डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिनुएंड होगा, मींस अगर जो हमारा मिनुएंड करेक्ट नंबर मिलता है तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। तो चलो ऐड कर लेते हैं, तो 6 + 5, 6 + 9 क्या होता है, 6 + 9 होता है 15, क्या होता है, 6 + 9। आप अपने फिंगर से काउंट कर सकते हैं, 6 6 फिंगर निकालिए, उसके बाद 9 उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा 15। 15 आया तो 15 का हम यहाँ पे कैरी ओवर रख लेंगे, कैरी आ गया हमारा, ठीक है। अब 1 + 4 + 8 क्या हो जाएगा, 1 + 4 5 है ना, और 5 + 8 उसमें ऐड कर दिए, 8 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 13, ठीक है, 13 हो गया। 13 का हमारा कैरी आ गया यहाँ पे, कैरी ओवर इसमें हंड्रेड्स में, ठीक है, 1 कैरी आ गया यहाँ पे। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 12, ठीक है, मतलब 1 + 4 5 एंड 7 12, ठीक है, 12 होता है, 12 आ गया। अब 12 का कैरी ओवर यहाँ पे आएगा, ठीक है, 12 का कैरी ओवर यहाँ आ गया थाउजेंड्स में, ठीक है, थाउजेंड्स में कैरी ओवर हमने रख लिया। अब इसको ऐड कर दो, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4, ठीक है, आंसर आ गया हमारा 4 एंड 10,000, 10,000 में आ गया। देखो अब इसमें तो कोई कैरी नहीं है, तो मतलब ये हमारा हो जाएगा 5 + 2 = 7, ठीक है, यहाँ पे 7 आएगा, ओके, ठीक। अब चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना, ठीक है, ये हमारा 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, ओके, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे 8 हो गया है, 5 + 2 = 7, ओके। तो 7 4 2 एंड 3 एंड 5, ठीक है, हमारा मिनुएंड है जो आपने उस पीछे वाले जो अपने पेज में देखा, ठीक है, पीछे वाले पेज में देख सकते हैं हम, ठीक है, पीछे वाले पेज में देखो यहाँ पे 7 4 2 3 5 आ गया ना, 7 4 2 3 5, ठीक, देखो 7 4 2 3 5, ओके। तो हमारा जो आंसर आ गया 7 4 2 3 एंड 5, तो यही हमारा जो करेक्ट आंसर है। तो हमने इस तरीके से चेक किया। देखो डिफरेंस क्या करना है, पहले आपको डिफरेंस निकालना है। अब उस डिफरेंस में जो हमारा डिफरेंस आंसर जो आएगा, ठीक है, और जो हमारा सब्ट्राहेंड रहेगा, जो हमारा सब्ट्राहेंड क्या रहता है, जिसको हम सब्ट्रेक्ट करते हैं, ठीक है, ये वाला जो बीच वाला जो सेकेंड वाला जो नंबर होता है ना उसको, ठीक है, और इस नंबर को जो हमारा डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल नंबर आएगा ये, ठीक है। तो अगर ये नंबर आता है तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपका होमवर्क है, उसको आप लोग घर में बनाएंगे, ठीक है, अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, तब तक के लिए आप उसको होमवर्क कीजिए, ओके, थैंक यू।